अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो दोस्तों? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहे, खुश रहे। आज हम करते हैं सैमसंग का शायद A10s है, इसको हम एक ही क्लिक से FRP बाईपास कर लेंगे। ठीक है, कोई बैग डक नहीं खोलना, कुछ नहीं करना। ये देख लीजिए FRP लगी है ना, ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो आप। एंड्रॉयड वर्जन 10 है, वैसे 11 भी कर सकते हो आप, 9 भी कर सकते हो। अनलॉक टूल हम खोलेंगे, ये आप UMT से भी कर सकते हो। ठीक है, हमने कहाँ पे जाना है? यहाँ पे, यहाँ पे हमने ब्रांड सेलेक्ट करना है। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, सैमसंग सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे मॉडल नंबर सेलेक्ट कर। ज़रूरी नहीं है यही वाला मॉडल हो, और भी मतलब सेम सेम, जैसे आप A12 सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहले रिसेट FRP क्लिक कर लो, फ़ोन को स्विच ऑफ कर लो। ठीक है, पहले मैंने टूल पे रिसेट FRP पे क्लिक किया, उसके बाद मैं फ़ोन को स्विच ऑफ कर रहा हूँ। देख लीजिए यहाँ पे मैं फ़ोन को स्विच ऑफ कर रहा हूँ। उसके बाद कोई बैग ढक्कन नहीं खोलना, ये वैल्यूम दो है ना अप और डाउन, हमने डाउन दबा के रखना है, डाउन दबा के रखा। उसके बाद USB इन करनी है, बस FRP बाईपास हो गया। देख लीजिए आप, ये दोनों वैल्यूम नहीं दबाने, एक ही वैल्यूम डाउन, ये देख लीजिए कनेक्ट हो गया, बस FRP खत्म। तो ये आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है, UMT से भी कर सकते हो, UMT पे हो तो आप देखें। आपके पास मैंने आपको पहले भी टूल दिया हुआ था, कॉलकॉम भी कर सकते हो, बट टेस्ट पॉइंट से। तो ये MDK है, इसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले फ़ोन खोलना पड़ता था, आजकल फ़ोन की मतलब खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये MDK इनका CPU है ना, तो तभी तो बाकी कॉलकॉम पे मैंने M11 उसकी भी वीडियो बना के दी थी आपको। आप खाली गूगल सर्च किया कर ले EDL पॉइंट, जिसको है ना आप उसको कर सकते हो MRT से, ओ सॉरी क्या नाम है इसका, UMT से भी कर सकते हो, अनलॉक टूल से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, हो गया ना, यहाँ पे चेक कर लो, हो गया FRP बाईपास। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट, शेयर, और अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना है। ये देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, तो बस हो गया, आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।